निकाह के डेट मांगे हम लोगों ने, अगर मेरा शहजाद से रिश्ता ना हो तो मैं मर जाऊंगी। जिस दिन मेरे दिल को सब्र आ गया, मुझे यकीन हो गया कि तू सुधर गया है, उस दिन मान जाऊंगी। अम्मा मैं बेचैनी से इंतजार करूंगा उसका। दुआ कर कि अल्लाह किरण के दिल में रहम डाल दे तेरे लिए, उसके दिल में जगह बन जाए तेरे लिए। मेरी बहन ही नहीं, बच्चा भी, और अगर तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच आए या तुम्हें कोई तंग कर, जान से मार दूंगा मैं उसे। मेरे खुदाया कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अम्मी मैं अभी आपके पास आ रही थी बात करने के लिए। माओ को पता ही नहीं चलता कि उनकी बेटियां कब इतनी बड़ी हो गईं, कि उनकी रुखसती का वक्त आ गया। और अगर बेटियां अपने ससुराल में जाकर खुश रहे तो माओ को और खुशी होती है ना अम्मी? बहुत खुशी होती है बेटा, इत्मीनान हो जाता है, बल्कि रूह तक को सुकून आ जाता है। इसीलिए तो बहुत सोच समझ के फैसला करती हैं अपनी औलाद के लिए माँ। अम्मी वो मैंने आपको और भाई को, मुझे मालूम है तुम हम पे भरोसा करती हो, इसीलिए मैंने वसीम के रिश्ते को हाँ कर दी है। और इस जुम्मे तुम्हारा निकाह है। मेडिकल स्टोर से लड़का आया होगा, मैं तुम्हारे भाई के लिए खाना देकर आती हूँ। Pick up the phone. Shahzad, pick up the phone. आखिर अम्मी को डॉक्टर लेके जा रहे हैं ना, चेकअप हो जाएगा, टेंशन मत लो। यार हार्ट अटैक, उन्हें पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं काम करता हूँ, मैं मामू से बात करता हूँ। हाँ तुम मामू को बता दो, अगर वो आ जाएंगे तो तुम्हें हौसला होगा। लेकिन तुम बात मत करना, फोन मुझे दो, मैं बात करता हूँ। तुम्हारी ऐसी आवाज़ सुनकर तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ मैं, क्या हुआ यार? ताहिर मुझे लगता है मैं फोन टैक्सी में भूल आया हूँ। मेरे फोन से करो यार। नहीं तो तुम्हारे फोन से क्या बात करूंगा मैं, मुझे मामू का नंबर थोड़ी याद है, इस्लामाबाद का कोई नंबर है। अब तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, ये चाबी, और जाके अम्मी का मोबाइल ले आओ, मुझे मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, साइड टेबल पे पड़ा है। लेकिन यार मैं तुम्हें इस हाल में इसरा अकेला नहीं छोड़ सकता अभी। ताहिर मैं मैनेज कर लूंगा, तुम जाओ बस जल्दी से मोबाइल लेके आओ। ठीक है, अपना ख्याल रख, मैं आता हूँ। जा जल्दी से जा। Finally, my man, तू जीत गया। मुझे लगता था कि अलीना के लिए तेरे एहसास और जज्बात वक्त ही लगाओ। तू बाहर जाएगा, बाहर की दुनिया देखेगा, पसा लेगा कोई गोरी शोरी। गलत समझते है तुम। जब कभी मैं काशिफ के घर जाता, अलीना से सामना होता, अलीना मुझे बहुत सीधी सादी लड़की लगी, बहुत मासूमियत से बात करती थी। अलीना में मुझे कभी कोई झूठ, कभी कोई बनावट नजर नहीं आई। फिर मैं बाहर चला गया, दुनिया देख ली, लेकिन सच पूछो ना, अलीना जैसी लड़की नहीं देखी। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। गुड यार, खुश हूं मैं तेरे, और मेरी दुआ है कि तुम दोनों साथ हमेशा खुश रहो, और उसको जल्द से जल्द मेरी भाभी बना। बहुत जल्दी।
अच्छा बता शाम में क्या कर रहे हैं? ऐसे कोई प्लान्स नहीं है यार, तू बता क्या कर रहा? तो फिर चलते हैं शॉपिंग पे। चलो और महक मेरा दम घुट रहा है, दिल चाह रहा है खुद को खत्म कर लूं। पागल हो गई हो क्या? बच्चों वाली बातें कर रही हो, बच्ची हो क्या? तो तुम बताओ मैं क्या करूं? उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है और मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसने तुम्हें यकीन दिलाया था कि वो आएगा? कि वो नहीं आया है, उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है और कोई रابطہ करने का जरिया भी नहीं है हमारे पास। अगर तुम अभी भी नहीं समझ रही ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं मेरी जान। महक वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन मुझे ना उस पर पहले भरोसा था और ना आज है। तुम कैसे बातें कर रही हो? तुम जानती हो मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझसे प्यार करता है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। नहीं वो मेरे बिना रह सकता है। तुम्हारी बातें बहुत सुन चुकी हूँ, अब अपना दिल जलाने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो इतना सच्चा होता ना तो सीना तान कर आता, तुम्हारा रिश्ता मानता। खुदा के लिए मेरा दिल मत जलाओ, तो क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अच्छा मुझे बताओ क्या करूं फिर मैं, किस तरह से तुम्हारा दिल बहलाऊं? तो मेरी हेल्प करो ना। झूठी आस उम्मीद देकर जान, अगर मेरे बस में कुछ भी होता ना तुम्हारे लिए करने को, मैं तुम्हारे लिए करती। मुझे तो उसका अता पता भी मालूम नहीं है। अगर तुम्हें लगता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कह सकती हूँ या अच्छा सोच सकती हूँ तो मेरी बात मानो, सीम भाई से निकाह करने के लिए राजी हो जाओ। नहीं वो आएगा, वो जरूर आएगा। अच्छा अब रोना बंद करो, देखो वो ही होता है जो बेहतर होता है हमारे लिए। वो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता। तौबा है। अच्छा हाँ तो मैं ये कह रही थी कि दो जोड़े लेने हैं मुझे और एक बहुत अच्छा जोड़ा निकाह के लिए। हाँ ये तो सही है, और वो लड़के की माँ का तो बहुत अच्छा जोड़ा लेना होगा। ठीक है। अरे माँ के साथ खाला का भी तो चाहिए होगा ना? अच्छा सुनो फिक्र वाली कोई बात नहीं है, जब भी मेरी जरूरत हो ना बता देना, फौरन से आ जाऊंगी। कितना अच्छा हुआ ना जो तुम आ गई, देखो तुम्हारे आने से मुझे कितनी चीजें समझ में आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बस आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जुमे को निकाह है और एक दिन पहले ढोलकी करेंगे, आप सबने आना है। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, मैं तो खाला हूँ, मैं तो जरूर आऊंगी। हाँ जाहिद साहब का कुछ नहीं कह सकती मैं, ढोलकी पर तो नहीं लेकिन निकाह पर जरूर आ जाएंगे वो। नहीं लेकिन आपने उन्हें कहना है कि वो जरूर आए, उनके लिए यहाँ पर बहुत काम है। हाँ बता दूंगी मैं। अरे बेटा बहुत सी चीजें हैं जो मुझे याद आ गई हैं, ऐसा करो तुम भी नोट कर लेना। जी अम्मी जी मैम। अरे ये तो लो ना। अंगूठी तो लेनी ही लेनी है, जेवर तो मैं अपना ही पहनाऊंगी। अरे अम्मी क्या हो गया है आपको, कैसी बातें कर रही हैं? ज्वेलरी आप अपने अपने पास रखें, अलीना के लिए दूसरा जेवर ले लेंगे। मेरा सब कुछ तुम दोनों का ही तो है, जेवर तो लेना ही है शादी के लिए, मुझे अपने अरमान पूरे करने। अंगूठी तो लेनी है, वो मैं ले लूंगा। सिर्फ अंगूठी थोड़ी लेनी है, निकाह का जोड़ा है, सैंडल है, बैग है, बहुत सारी चीजें लेनी है। कल मुझे तुम्हारे साथ मार्केट चलना ही पड़ेगा। तो अम्मी इसका मतलब है कल का पूरा दिन गया बाजार में? तो घर बैठ के क्या करोगे, अच्छा एंजॉय करना, अपनी होने वाली दुल्हन की चीजें अपनी पसंद से ले लेना।
मेरा तो जो दिल चाहेगा वो मैं लूंगी भाई। ठीक है अम्मी। हेलो जी, कौन? मैं अलीना बात कर रही हूँ। अलीना, मैं भी तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा शायद तुम मुझसे बात करने से इनकार कर दो। वसीम, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। नहीं, घर पे नहीं। तो फिर कहाँ? अलीना बेटा, मैं आ जाऊं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो अलीना। जी भाई, आ जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। मैं जानता हूं तुम डिस्टर्ब हो गई हो ना, सब कुछ ऐसे अचानक से हो गया। तुम्हारे रिश्ते की बात हुई और अब जुमे को तुम्हारा निकाह है। शायद तुम ये सोच रही हो कि मैंने ये सब कुछ एकदम अचानक से कर दिया। भाई, मुझे आपसे हाँ, बोलो बोलो बेटा, क्या बात है? हैं? देखो अलीना, मैंने हमेशा तुम्हारा फर्ज बहुत बहुत जिम्मेदारी से अदा करने की कोशिश की है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें इज्जत से रुखसत भी करूं। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है, जो भी तुम्हारे अरमान है, मैं सब पूरे करूंगा बेटा। तुम मेरा मान हो, गुरूर हो मेरा। एक मिनट। हाँ वसीम। या अल्लाह, खैर कीजिएगा। कहीं वसीम भाई को ये ना बता दे कि मैंने उसे फोन किया था। अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो? भला मुझे क्यों एतराज होगा? जाहिर है अब तुम दोनों जिंदगी भर के लिए एक बंधन में बंधने जा रहे हो। हाँ, वैसे भी अलीना कल कॉलेज नहीं जा रही है, तो तुम सुबह में किसी वक्त चक्कर लगा लो। हाँ, और बताओ मम्मी कैसी हैं? ठीक हैं। प्लीज फोन उठाओ शहजाद, प्लीज फोन उठाओ। मुझे तुमने आज अकेला छोड़ दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज शहजाद, अभी भी आ जाओ, अभी भी टाइम नहीं गुजरा। बच्चों ने खाना खा लिया? हाँ, आप जो लेट हो गए तो खाना खाकर आपका इंतजार करते करते सो गए।
बड़ा अच्छा रिश्ता था, देखे वाले लोग थे। काशिफ और नसरीन ने फौरन हाँ कर दी और जुमे वाले दिन निकाह भी रख दिया। यार बच्ची अभी छोटी थी, अभी पढ़ने देते उसे। हर माँ बाप अपने औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं ना, उन्होंने भी सोच समझ के फैसला किया हो। हाँ ये तो खैर तुम ठीक कह रही हो। अच्छा काशिफ ने ना बहुत ज्यादा ताकीद की है कि निकाह में आप जरूर शिरकत करेंगे। हाँ हाँ भाई जरूर करेंगे, कल ही कह दूंगा छुट्टी के लिए। अपने मैं तो बड़ी खुश होगी, उसकी सहेली की शादी है भाई। हाँ बहुत खुश है। कह रही थी कि ढोलक पर तो उसका एक पीले रंग का जोड़ा पड़ा ना, वो पहन लेगी। और निकाह के लिए मैं अब्बू को कहूंगी, नया बनवा के देंगे। हाँ हाँ तो कल दिलवा देना ना उसे नया जोड़ा उसकी पसंद का। ठीक है। हाँ सोने से पहले दूध पिया उसने? गिलास हाथ में पकड़ा कर सामने बैठती हूँ तो खत्म होता है, वरना तो आधा बीच में छोड़ देती है। हेलो, तुम आज आई नहीं, तुमने तो कहा था तुम आओगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है महक, मुझे लगता है शहजाद किसी मसले में है। ओ वो बात जो भी थी उसे एक फोन तो करना चाहिए था ना। महक तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम प्लीज शहजाद का पता करो। तुम जानती हो मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। क्या करूं महक, मैं कहां जाऊं, मैं उसको कहां ढूंढूं, मुझे बताओ। देखो कहीं भी निकलकर अपने लिए प्रॉब्लम ना खड़ी कर लेना। काशिफ भाई ने जो भी सोचा होगा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा, और मुझे उम्मीद है वसीम भाई बहुत अच्छे होंगे। अगर वो अच्छा लड़का होगा तो मेरी बात सुनने के बाद इस रिश्ते से खुद इनकार कर देगा। क्या मतलब, क्या बात करने वाली हो तुम? महक मैं उसे शहजाद के बारे में बता दूंगी। देखो ये बेवकूफी बिल्कुल मत करना, अभी वैसे भी शहजाद गायब है, उसका कोई अता पता नहीं। और काशिफ भाई कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, बहुत जिल्लत होगी उनकी। नहीं क्या चाहती है ये लड़की। अलीना बेटा क्या हुआ गुड़िया, परेशान लग रही? मैं जानता हूं तुम यही सोच रही होगी कि तुम वसीम को अब अच्छी तरह जानती नहीं हो, और जाहिर है तुमने उसे इस नजर से कभी देखा भी नहीं। तुम्हारे जहन में बहुत सवालात होंगे उसके लिए, तो एक बार मिल लो उससे, तुम्हारा हक है, अपनी तसल्ली कर लो ना। ये तो अच्छा हुआ कि वसीम ने खुद ही मिलने का कह दिया, आया हुआ है तो बात कर लो एक बार। देखो इसमें कोई हर्ज नहीं है, दो दिन बाद तुम दोनों का निकाह होने वाला है, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ वसीम को, बहुत अच्छा सुलझा हुआ इज्जतदार लड़का है। नहीं भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं जानता था, अगर मेरी बहन हो ना तो कोई बात नहीं, बात करता हूं। यार वो वसीम शर्मा रही है यार मुझे इससे, जरा तो समझ सकते हो तुम, सब कुछ अचानक से हो गया। और बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी। हाँ यार और वैसे भी दो दिन बाद तुम दोनों का निकाह है। यार वसीम मैंने बड़े नाजों से रखा है अपनी बहन को, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देना। काशिफ तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अलीना की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस यू।
मुझे तुमसे ये उम्मीद है। चलें, मुझे लेट हो रहा है। हाँ चलो, मैं छोड़ देता हूँ बाहर तुम्हें। आओ आओ आओ, आओ। जी बेटा, तुम क्यों नहीं गए अलीना के घर? मैं क्या करता आप ये सहेली के घर जाके? भाई ढोलकी थी, हम सबको इनवाइट किया था उन्होंने। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। इधर आ, यहाँ बैठो बैठो। क्या बात है, मूड खराब है या मुझसे नाराज हो? आपसे नाराज हूं। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? बाहू, मेरे दोस्तों के साथ प्लान था मूवी पर जाने का, तो आपने मना कर दिया और अब ये को भेज दिया ढोलकी पर। अरे बेटा, ढोलकी पर जाने में और मूवी के प्लान में बहुत फर्क है। नहीं बाबा, मेरी हर बात से इनकार होता है आपको, और चुड़ैल की हर बात मानते हैं। उमेर, किस लहजे में बात कर रहे हो बेटा? बड़ी बहन है तुम्हारी। तो बड़ी बहन होने का ये मतलब तो नहीं है कि मुझे नजरअंदाज किया जाए और उसकी हर बात मानी जाए। तुम्हारी किसी बात को नजरअंदाज नहीं करता हूं मैं। बात यह है बेटा कि देखो, तुम हो लड़के, लड़कों के दिल मजबूत होते हैं और बच्चियां बेचारी नाजुक सी होती हैं ना, मासूम सी, उनके दिल भी उतने ही नाजुक होते हैं। बस इतनी सी बात है। नहीं बाबा, बात यह है कि आपको सिर्फ अपनी अच्छी लगती है, मैं तो आपको बुरा लगता हूँ ना, हमेशा से। पागल है तू? अरे वो मेरी जान है तो तू मेरी जिंदगी है, पागल। खामोश खामोश, बहुत हो गया बहुत हो गया। काशी भाई यार, बिला वजह टोक दिया हमें, अच्छे खासे गाने गा रहे थे हम। अरे मेरी प्यारी प्यारी बहनों, तुम लोगों के लिए समोसे और दही बड़े लाए हूं भाई, ये कौन खाएगा हैं? बाद में खा लेंगे, अभी हम कल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे भाई कुछ खाओगे तो एनर्जी आएगी ना हैं? चलो तुम में से कोई उठे जल्दी से चाय बनाए। शाबाश। कोई नहीं, आज भाई अपनी बहनों को चाय बना के पिलाएंगे और हम गाने गाएंगे बस। क्यों लड़कियों बताओ? जी जी बिल्कुल। काशिफ भाई चाय, काशिफ भाई चाय, काशिफ भाई चाय। महक बिल्कुल ठीक कह रही है, आज चाय भाई ही बनाएगा। काशिफ भाई चाय, काशिफ भाई चाय, काशिफ भाई चाय। अच्छा बाबा ठीक है, तुम लोग जारी रखो, मैं बनाता हूँ चाय। ये मेरी पहली और आखिरी चाहत है तुम। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती, ना इतनी हिम्मत है कि अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर सकूं। तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और शख्स आए, मुझसे बर्दाश्त नहीं। अरे भाई, अलीना हमेशा से तुम्हारी थी और तुम्हारी रहेगी। वादा? पक्का वादा। यार, अरे यहाँ पर बैठी हो, सब तुम्हारा अंदर खाने पर इंतजार कर रहे हैं।
इधर देखो, तुम रो रही हो, तुम उस इंसान के लिए अपने आंसू बहा रही हो जिसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, धोखा दिया है उसने तो। गलत, ये सब गलत है महक। शहजाद मुझे चाहता, मैं उसे चाहती हूँ, मरते दम तक मैं उसकी मोहब्बत अपने दिल से कभी नहीं निकालूंगी। तो गलत करोगी, कल निकाह है तुम्हारा, किसी और की होने जा रही हो तुम। कुछ तो ख्याल कर लो, कागज के टुकड़ों पर साइन करने से इंसान किसी का हो नहीं जाता, रहता उसी का है जिसका नाम दिल पर लिखा हो। प्रैक्टिकल होने की बातें करो, तुम उसे चाहती थी, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। तुम क्यों ऐसी बातें करती हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा कभी नहीं हो सकता था ना, तो वो तुम्हारे लिए स्टैंड लेता, आज बर्दाश्त ना कर रहा होता तुम्हें किसी और का होता देखकर। वसीम भाई बहुत अच्छे इंसान है, भूल जाओ अब उसे और खुश रहो वसीम भाई के साथ। बस मेरी खुशियां तो शहजाद के साथ जुड़ी हैं, मेरी जीने की उम्मीद था वो। तो गलत उम्मीदें लगाई थी तुमने, जितना जल्दी हो सके शहजाद को अपने दिल से निकालो और वसीम भाई को अपने दिल में बसा लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है और हम सबके लिए। अलीना, महक, खाना ठंडा हो रहा है। आ रहे हैं। अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखूं, चलो साफ करो, चलो उठो, शाबाश। अलीना बेटा। जी भाई। मम्मी कहाँ गई हैं? भाई टेलर से अपने लिए जोड़ा देने। अच्छा, मतलब फिर जल्दी ही आ जाएंगी। अच्छा मुझे ये बताओ तुम कौन से पार्लर जाओगी और वापसी कितने बजे पिक करना होगा? 5 बजे ड्रॉप करना, 7 बजे पिक। ठीक। अरे ये क्या, क्यों दिल छोटा करती हो? हाँ सब ठीक हो जाएगा ना बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हैं? मैं आता हूं। हाँ
अरे चाय का पानी रख कर आई थी, लोग बातें करो मैं चाय लेकर आई। कोई बात तो करो अलीना। क्या बात करूं? क्या हम सारी जिंदगी इसी तरह रहेंगे, बात नहीं करेंगे? पता नहीं, तुम मुझे नाराज नाराज सी लग रही हो। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं तो? तुम्हें पता है जब मैं यूनिवर्सिटी से काशिक साथ तुम्हारे घर आया करता था, तुम खुशी खुशी अपनी दुनिया में घूम रहा करती थी। फिर मैं बाहर चला गया लेकिन तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रही। लेकिन जब अम्मी ने शादी के लिए मेरी लड़की देखना चाही तो मैंने बेख्तियार तुम्हारा नाम ले लिया। अलीना, मैंने ये फैसला अचानक नहीं किया, बहुत सोच विचार के साथ किया और फिर तुम्हें अपना हमसफर चुना। मैंने कभी अपनी चाहत किसी के सामने जाहिर नहीं की, हमेशा अपने दिल में रखी। चाहता हूं तुम्हारे सामने जाहिर कर सकता था लेकिन मैं इस बात तक आई नहीं हूं कि इंसान बड़े बड़े वादे करे और फिर उन्हें निभा ना सके। तुम्हारी ये खामोशी और ये नाराजगी की वजह समझ सकता हूं। मेरा इस तरह अचानक आना, रिश्ता देना और हमारा निकाह हो जाना, आई एम श्योर तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं होगी। मुझे तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए था। खैर, कल मेरी फ्लाइट है तो क्या मैं जाने से पहले तुम्हारे साथ एक बार लंच कर सकता हूँ? बैठो बेटा बैठो। अम्मी ने परमिशन दे दी है। अरे वाह, ये तो गुड न्यूज है ना। और मुझे तो लग रहा है जैसे तुम्हारे दिल में भी लड्डू फूट रहे हैं। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि मैं वसीम के लिए अब अपने दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। अगर तुमने ये फैसला किया है ना तो बहुत अच्छा फैसला किया है। हर लिहाज से वसीम भाई शहजाद से बहुत बेहतर है और सबसे बड़ी बात, वो एक जिम्मेदार इंसान है, जिम्मेदारी उठाने वाले। शहजाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। महक, तुम ठीक कहती थी, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता ही नहीं था। मैं परेशानी में थी कि वो कहीं मुसीबत में ना हो। मैंने उसे वसीम के रिश्ते के बारे में बताया, आगे से कहने लगा अपनी माँ को भेजूंगा, लेकिन नहीं, नहीं भेजा, ऊपर से नंबर बंद कर दिया। शायद वो मुझे धोखा दे रहा था, उसके वादे उसके दावे सब झूठे निकले। तुम दिल छोटा नहीं करो, देखो वसीम भाई के साथ तुमने जिंदगी गुजारनी है और मैं जानती हूँ वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, हमेशा चाहेंगे तुम्हें इंशाल्लाह। सच कहती हो तुम, वसीम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने हिम्मत की और मेरे भाई से मेरा हाथ मांग लिया, मुझे हासिल कर लिया। देखो अलीना, अगर तुम इन बातों को समझ ही चुकी हो ना तो एक बार दिल पे पत्थर रख के फैसला कर लो, शहजाद को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो और वसीम भाई को अपनी जिंदगी में जगह दो। और एक और बात, देखो कल जब तुम वसीम भाई से मिलो ना तो उन्हें पुरानी वाली अलीना मिलनी चाहिए, उसी तरह हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, अच्छे मूड में रहने वाली। हाँ, उसी तरह मासूम सी। हम्म, प्यार।
रिलैक्स रहो, मैं तुम्हारे साथ। जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या काशिप आज भी तुम्हें उसी तरह तंग करता है, फ्रीजर से निकाल तुम्हारी सारी चॉकलेट्स खा जाता है? जी आज भी काशिप भाई वैसे मेरी चॉकलेट्स खा जाते हैं। और जब तुम रोती हो लड़ती हो तो तुम्हारे ढेर सारे चॉकलेट्स लेकर आते हैं। शायद उन्हें मुझे तंग करने में मजा आता है इसलिए। अच्छा एक काम करते हैं, मैं वहां जाके तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स भेजूंगा। लेकिन आप भाई को मत बताइएगा। इसकी कॉल थी वो मेरी फ्रेंड महक है ना, उसकी कॉल थी। तो फिर बात क्यों नहीं की? मैं इससे क्या बात करूं, ये तो किताबी कीड़ा है, किसी ना किसी असाइनमेंट के बारे में बात करनी होगी और मैं अभी इस मूड में नहीं हूं कि मैं किसी और से बात करूं। अलीना यू नो व्हाट, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना अहम हूं? अलीना खुदा के बनाए हुए रिश्ते भी कितने मुकद्दस होते हैं ना। अब देखो ना, परसों मैं तुम्हारे घर पर आया और तुम मुझसे कुछ बात भी नहीं कर पाए, कल हमारा निकाह हुआ और आज मैं तुम्हारे लिए इतना अहम हो गया, यही बात है ना? अच्छा जूस पियो, जूस गर्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है जल्दी आ गई तुम, मैं तो बहुत परेशान हो रही थी बेटा। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात थी, आपने मुझे खुद ही तो भेजा था। तुम नहीं समझोगी। अच्छा ये बताओ कि तुमने वसीम से अच्छे से तो बात की थी ना? जी अच्छे से बात की थी मैंने। अलीना सब ठीक तो है ना बेटा? अम्मी सब ठीक है, गलत क्या हो सकता है? तुम्हें अभी दुनिया की और रिश्तों की समझ नहीं है। मैं परेशान हो रही थी कि तुमने उससे कोई ऐसी वैसी बात ना कर दी हो जो उसे बुरी लग गई हो। अम्मी मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता आप ऐसा करें तो फोन करें और खुद पूछ लें। अरे बेटा मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन तुम्हें कौन समझाए, हेलो अलीना।